Hello students, let's see this question. The question says the major product in the reaction. Four options आपको given है. तो ये reaction आप क्या देख रहे हो? Cyclopentane पर CH3 लगा हुआ है. ठीक है, आपसे react करा रहे हो Br2 से H2 के presence में. तो ये क्या होगा? Free radical mechanism follow करेगा. Free radical bromination होगा इसका. Free radical bromination reaction है basically ये. तो अब हमें देखने की पॉसिबल पोजिशन क्या है रेडिकल्स बनने के. सो क्या क्या पॉसिबल रेडिकल्स बन सकते हैं, वहीं पर आपका ब्रोमाइड लग जाएगा. तो देखो ये है, तो सबसे पहले मैं एक रेडिकल तो यहां बना दू. ये बन गया एक रेडिकल. ठीक है, एक रेडिकल ये बन गया. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है रेडिकल बनाने की, ये सी एच थ्री एसिड रहे, यहां पर एक रेडिकल बन जाए. देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हटा के एक रेडिकल बना दो. ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ये बना दें सी एच थ्री और यहां पर एक रेडिकल बना दें. तो अब हमें बस ये चूज करना है, ये सारी पोजीशंस. एक तो इसमें इक्विवेलेंट पोजीशन क्या है, एक तो ये इक्विवेलेंट पोजीशन है और ये वाली एक ये वाली इक्विवेलेंट पोजीशन है. चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका एक रेडिकल यहां पर बन जाए, सी एच थ्री तो है यहाँ पर और एक रेडिकल आपका यहाँ पर बन जाए. तो इन सब में जो सबसे स्टेबल रेडिकल है वो हमारा ये वाला है. क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी रेडिकल है. टर्शियरी रेडिकल्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इसी से ही हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा. तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी एच थ्री यहाँ पर और बी आर यहाँ पर. सो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.